हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे वेडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां मैं ब्राइड्स टू बी के लिए डिफरेंट वीडियोस स्किन केयर के ऊपर, हेयर केयर के ऊपर, बॉडी केयर, बहुत सारी मैंने वीडियोस बना ली हैं। तो आई एम गोइंग टू लिंक ऑल दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज की वीडियो ओवरनाइट बैग के बारे में है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको अपने ओवरनाइट बैग में रखनी चाहिए। इन केस यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओवरनाइट बैग वो बैग होता है जो कि मे बी बारात या रुखसती के बाद छोटा सा हैंड कैरी अपने साथ रखते हैं, जिसमें आपकी बहुत जरूरी या जो आपको फॉरेन चीजें जरूरत पड़ सकती हैं वो आप रखते हैं। कुछ लोग होटल में जाके स्टे करते हैं, तो अगर आप उधर स्टे कर रहे हैं तो उधर आपको जो चीजें जरूरत पड़ सकती हैं तो ये हैंड कैरी आप अपने साथ उधर लेके जाएं। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के घर जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑल योर बिग सूटकेसेस जिसमें आपके प्रोबेबली सारा सामान होगा, ये एक छोटा सा हैंड कैरी आप अपने कमरे में अपने साथ रख लें। तो अगले दिन वलीमा या जब भी आपका वलीमा हो उस टाइम तक आपको जो कुछ चीजें जरूरत पड़ सकती हैं वो आपकी फॉरन एक ही जगह सारी एक छोटे से बैग के अंदर हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजें आगे पीछे ना हो और कोई केओस ना मचे, बिकॉज शादी के फौरन बाद चीजें मिल नहीं रही होती, समझ नहीं आ रहा होता। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव योर एसेंशियल थिंग्स विद यू। एंड इन केस अगर आप शाय हो रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड या इन लॉ से फौरन चीजें मांगना नहीं शुरू करना चाह रहे, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव ऑल योर थिंग्स विद यू, आई थिंक मैंने कोई 25 चीजें लिखी हैं जो कि मुझे लगता है आपको जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन प्रोबेबली इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जो कि आपको पॉसिबली जरूरत पड़ सकती है टू हैव इन योर ओवरनाइट। ओके, स्टार्टिंग विद अ बेसिक थिंग, एक मेकअप और स्किन केयर पाउच जिसमें आपका क्लिंजर, जिसमें आपका मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन हो, जिसके अंदर बहुत बेसिक सा मेकअप हो जो कि आपको अगले दिन उठ के मे बी यू वांट टू पुट ऑन अ लिपस्टिक या फिर आपको मस्कारा लगाना है या फिर आपको कंसीलर भी थोड़ा सा लगाना है, तो अगले दिन यू नो यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल। तो एक पाउच के अंदर अपनी सारी असेंशियल चीजें जो कि आपको मुंह धोने के काम आएंगी और थोड़ा सा तैयार होने के काम आएंगी, एक मेकअप पाउच रख लें। क्लिंजर के अलावा माइसेलर वाटर भी आप अपनी स्किन केयर किट में रख लें तो अच्छा होगा, बिकॉज वो मेकअप उतारने का प्रोसेस थोड़ा इजी कर देता है, या फिर थोड़े से मेकअप वाइप्स, बिकॉज सॉरी मेरी बेटी इज रियली एक्साइटेड आउटसाइड। जो भी चीजें आपको मेकअप अच्छी तरह उतारने के लिए, क्योंकि शादी का मेकअप ऑब्वियसली फुल कवरेज होता है, तो उसको उतारना एक प्रॉपर टास्क होता है, वो आराम से सिर्फ क्लेंजर से नहीं उतरता। तो अच्छी तरह मुंह धोने के लिए इफ यू नीड अ माइसेलर वाटर, क्लेंजिंग बाम, यू नो कि जो चीजें आप यूज करते हैं तो वो जरूर रखें जो भी आपको मेकअप उतारने के लिए चाहिए होता है। सीरम्स और एक्स्ट्रा चीजें अपने साथ ना रखें, बिकॉज ना टाइम होता है एंड ऑनेस्टली प्रॉपर स्किन केयर करने का बिल्कुल वो माहौल नहीं बन रहा होता। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप तीन बेसिक चीजें रखें जिसमें क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन होता है। ये चीजें आपको रोज जरूर पहननी होती है, सो डोंट फॉरगेट दीज थ्री। और मेकअप में आई वुड सजेस्ट कि कंसीलर, लिपस्टिक और मस्कारा, आई थिंक ये बेसिक सी चीजें। उसके अलावा इफ यू फील कि मैंने पाउडर भी मुझे रखना है, ब्लश भी मुझे रखना है और यू नो आई वांट टू कीप अ होल थिंग, तो इन अ स्मॉल पाउच मे बी ट्रेवल साइज प्रोडक्ट्स रख लें या फिर जो भी आपके पाउच में इजिली पूरा आ जाए। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने साथ रखें इज अ हेयर ब्रश, एक हेयर ब्रश, हेयर कंडीशनर और शैम्पू। चाहे छोटी बॉटल्स में आप मूव करके, ट्रेवल साइज बॉटल्स मिलती हैं, मिनीसो से मिलती हैं जिसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आप ट्रेवल साइज सैशेज रख लें अपने साथ। अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो उधर का जो शैम्पू होता है वो बहुत बुरा होता है, घर भी जा रहे हैं तो पहले दिन हो सकता है आपके हस्बैंड जो शैम्पू यूज करते हैं या बाथरूम में जो शैम्पू पड़ा हो वो आपको अच्छा ना लगता हो, या फिर कभी कभी पड़ा नहीं भी होता है। तो कीप अ रियली गुड कंडीशनर और एक शैम्पू का साशे भी रख लें, क्योंकि बारात पे इतना प्रोडक्ट लगा होता है बालों पे तो आपको बाल धोने तो जरूर होते हैं, तो जस्ट गुड कि आपके पास सामान हो, वो यूज हो ना हो शैम्पू इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशनर बहुत जरूरी है। कंडीशनर के अलावा एक हेयर ऑयल भी रख लें, बिकॉज इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी मैंने बैक कॉम्बिंग की है ना उसके बाद मैंने ऑयल से अपने बाल को डिटैंगल किया, पहले घंटा मैंने अपने बालों पे ऑयल लगा के छोड़ दिया और उसके बाद फिर आई हैव गॉन विद अ कंडीशनर एंड शैम्पू, उससे बाल और ज्यादा इजीली डिटैंगल हो जाते हैं। बट दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन जो भी कोई चीज हो ये जरूर सोचें कि आपको अपने बाल डिटैंगल करने होंगे और बहुत बड़ा इशू होता है, तो ये वाले प्रोडक्ट जरूर अपने उस बैग में रखें। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू कीप इज अ कम्फी पेयर ऑफ स्लीपर्स, कोई भी फ्लैट्स जो कि आप कंफर्टेबल हैं पहनने में, वेदर स्लीपर्स और जो पंप्स हैं, जो भी वट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपकी शादी की जूती है उसमें आप घूम फिर नहीं सकते और यूजली पाँव इतने थक गए होते हैं कि यू जस्ट वॉन्ट टू स्लिप इन टू समथिंग रियली कम्फर्टेबल, सो एक ईजी सी स्लीपर जरूर रखें अपने बैग में। उसके अलावा ऑल्सो यू नीड टू कीप योर नाइट सूट, बिकॉज ऑब्वियसली शादी के जोड़े में तो आप सोने नहीं लगे, तो ऑलवेज कीप अ कंफर्टेबल नाइट सूट। एंड उसके अलावा दो कोई सूट या जोड़े अपने साथ जरूर रखें जो कि आप
मे बी नेक्स्ट डे आपने पहनने हो, क्योंकि सुबह उठ के आप नाइट सूट में भी नहीं जाएंगे और अपनी शादी के जोड़े में भी नहीं. तो समथिंग दैट यू कैन गो आउट, मीट द इन लॉज. अगर आप होटल में हैं तो टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, और अगर आप इन लॉज के साथ हैं तो उनके साथ नाश्ते पे. एक अच्छा सा सूट जो कि आप नेक्स्ट डे पहन सकें, एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आई थिंक यू शुड कीप टू. उसके अलावा ऑफ कोर्स अंडर गार्मेंट्स, वो बहुत जरूरी हैं, बिकॉज अगले दिन अगर आपका वलीमा है उसके लिए भी आपको चाहिए होंगे, और ओवरऑल यू नो यू नीड अंडर गार्मेंट्स, सो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडर गार्मेंट्स जरूर रखें. सो नेक्स्ट इन अनदर पाउच ऑलवेज कीप अ टूथब्रश, बिकॉज मैं भूल गई थी और अगले दिन मैं उठी एंड आई वाज लाइक ओ, फिर जल्दी से वी हैड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, और चार पांच चीजें जो कि मैं भूल गई थी जो कि मैंने इस लिस्ट में अब डाल दी हैं वो मेरे पास नहीं थी. सो माई हस्बैंड हैड टू रश एंड गेट ऑल दोज थिंग्स. तो एक टूथब्रश जरूर रखें. उसके अलावा इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ फ्यू मिंट्स इन योर यू नो पाउच इज वेल, बिकॉज कभी नहीं पता होता कुछ खा लिया उसके बाद यूर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जल्दी से ऊपर जाके दोबारा टीथ ब्रश कर लें, लेकिन अगर ना कर सकें तो ऑलवेज कीप मिंट्स विद यू, और लाइक अ च्युइंग गम जो कि माउथ फ्रेशनर किस्म की कोई चीज़ जो कि यू नो टू अवॉइड एनी ऑकवर्ड सिचुएशन. एक और छोटा सा पाउच बना लें जिसमें सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स और ट्वीज़र और कॉटन बड्स. कभी भी हेयर पिन और सेफ्टी पिन, स्पेशली सेफ्टी पिन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ऑलवेज कीप अ फ्यू इन अ स्मॉल पाउच. ज्यादा जगह भी नहीं लगती तो जस्ट कीप अ फ्यू ऑफ दोज विद यू. ओके, नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि उस बैग के अंदर एक छोटा सा ट्रैवल साइज परफ्यूम जरूर रख लें. अगर आपने फुल बॉटल नहीं रखी लेकिन परफ्यूम अपने साथ जरूर रखें, बिकॉज उस टाइम पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा होता है. इफ यू आर स्मेलिंग नाइस तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है. तो एक अच्छा सा परफ्यूम अपने साथ जरूर रखें. उसके अलावा एक डिओड्रेंट भी अपने साथ जरूर रखें, बिकॉज परफ्यूम लगाने से अच्छी स्मेल नहीं आती. जो बॉडी ओडर होता है उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन यू विद योर हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू डू नॉट वांट टू बी स्मेलिंग बैड, इतना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा. उसके अलावा थोड़ी सी बेसिक सी ज्वेलरी भी रख लें, बिकॉज आप नई नवेली दुल्हन होंगी तो मे बी हैव अ फ्यू रिंग्स ऑन योर फिंगर्स एंड थोड़े से कोई टॉप्स या फिर कोई नेकलेस जरूर रख लें, कोई चेन, ताकि आप बिल्कुल खाली खाली ना लगें. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आप प्रॉपर सजी भी हों, इवन अगर आप नाश्ते पे भी आ रही हों, तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी अपने साथ एक छोटे से पाउच में वो भी जरूर रख लें. उसी बैग में थोड़ी सी हेयर एक्सेसरीज भी रख लें, जैसे कि पोनीज होती हैं, रबर बैंड या वो इलास्टिक बैंड्स जो होते हैं वो रख लें, स्क्रंचीज रख लें जो कि बेसिकली पोनीज की ही काइंड है, और क्लिप्स रख लें जो कैचर होता है, बिकॉज अगर आपके लंबे बाल हैं यू आर रियली अनकम्फर्टेबल सो यू कैन टाई देम अप. सो कीप थिंग्स दैट यू वुड नीड फॉर योर हेयर. डोंट फॉरगेट योर फोन चार्जर, वो भी बहुत जरूरी होता है. मैं भूल गई थी, शुक्र है मेरे हस्बैंड के पास भी आईफोन था सो आई कुड शेयर हिज चार्जर. आपके हस्बैंड का सेम चार्जर ना हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, सो कीप योर चार्जर विद यू एज वेल. नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एक टॉवल भी जरूर रखें, बिकॉज आपने नहाना होगा उसके बाद द नेक्स्ट डे यू नो बिफोर गोइंग फॉर योर वलीमा और व्हाटएवर. सो आफ्टर टेकिंग शावर किसी से टॉवल मांगना स्पेशली उस टाइम पे, अगर आपके हस्बैंड काफी कंसिडर हैं तो उन्होंने एक फ्रेश सेट ऑफ टॉवल्स रखे हुए होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है. उनके सर पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो ये चीजें रह जाती हैं, तो अपना टॉवल अपने साथ रखें. एंड स्पेशली इफ यू समवन लाइक मी जो किसी का टॉवल शेयर नहीं करती, लाइक आई लाइक टू हैव माई ओन टॉवल व्हेन आई एम टेकिंग अ शावर, आई डू नॉट लाइक शेयरिंग टॉवल. सो इट्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो किसी को अपना टॉवल देते हुए हो सकता है ऑकवर्ड भी लगे अगर उनके पास नए टॉवल्स नहीं पड़े हुए. सो जस्ट कीप योर ओन टॉवल. उसके अलावा एक पाउच के अंदर आप पेनाडोल या फिर कोई भी डिस्प्रीन टाइप दो तीन जो मेडिसिन होती हैं फर्स्ट एड किट एक छोटी सी बना लें अपने साथ रखें. इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड कि जस्ट इन केस के आफ्टर द लॉन्ग डे आपसे सोया नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रही है और बहुत फटीग वगैरह हो गई है, तो आई थिंक न्यूब्रोल फोर्ट है जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, सो वो भी रख लें. यू नो यू जस्ट वॉन्ट टू काम योर नर्व्स एंड यू नो रिलैक्स एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप. ओके, सो इफ यू आर समवन लाइक मी जो कि ग्लासेस पहनता है, लाइक आई वेयर ग्लासेस, आई ग्लासेस, सो कीप योर आई ग्लासेस विद यू. एंड अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंजेस लगाए हुए हैं तो उसका सोल्यूशन और उसका केस भी अपने साथ जरूर रखें, बिकॉज अगर वो वन टाइम यूज वाले नहीं है तो ऑब्वियसली आपने उनको संभालना है. ओके, अनदर थिंग दैट आई वुड हाईली सजेस्ट जो कि मेरे एक्सपीरियंस में आई फील कि मुझे रख लेना चाहिए था और मैंने नहीं रखा था, वॉज अ हेयर ड्रायर. बिकॉज मैं सुबह सुबह जब नहाई तो उसके बाद, मेरी शादी सर्दियों में हुई थी और मेरे बाल पूरी तरह गीले थे, तो मैं गीले बालों के साथ नाश्ते पे नहीं जाना चाह रही थी, तो आई नीडेड अ हेयर ड्रायर. सबसे हेयर ड्रायर मांग रहे थे तो इट वॉज अ होल सिचुएशन, बिकॉज सारे नाश्ते की तैयारी के लिए लगे हुए थे और मैं ऊपर वेट कर रही थी कि मैं नीचे नहीं आ सकती जब तक मेरे बाल ड्राई नहीं होंगे. एंड नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील के हेयर ड्रायर जो आपका ओवरनाइट बैग है ना, उसमें चाहे मिनी सा कोई हैंड कैरी वाला
एक छोटा सा हेयर ड्रायर जरूर रखें। इन माय एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। अदर देन दैट कीप अ पेयर ऑफ सॉक्स, बिकॉज अगर आप मेरी तरह हैं जिसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, मेरी शादी सर्दियों में हुई थी और अगले दिन मेरे पांव फ्रीज हो रहे थे एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट आई नीड सम सॉक्स, मैं अपने हस्बैंड के सॉक्स पहन के नीचे चली गई थी। सो इफ यू समवन जिसको मेरी तरह सर्दी ज्यादा लगती है, एक पेयर ऑफ सॉक्स भी रख लें अगर आपकी शादी सर्दियों में हो रही है। उसके अलावा एक नेल पॉलिश रिमूवर भी रख लें, बिकॉज शादी पे अक्सर लोगों को नेल पॉलिश लगाई भी होती है। तो अगर आपने मे बी नमाज पढ़नी है या फिर आपको वैसे यू नो यू वांट टू क्लीन योर हैंड्स और अगले दिन आपने डिफरेंट नेल पॉलिश लगानी है, ऑल्दो सैलॉन्स में लोग कर देते हैं, बट जस्ट अगर आपको है कि मुझे घर जाके नमाज पढ़नी है तो नेल पॉलिश रिमूवर भी अपने साथ रख लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने साथ एक कोई ग्रेनोला बार या कोई भी चॉकलेट या कोई भी खाने की चीज, एक छोटे से पाउच में थोड़े से स्नैक्स रख लें, बिकॉज बहुत सारी ब्राइड्स शादी पे खाना नहीं खाती और यू नो व्हेन दे कम बैक तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है कि आप कहें कि बाहर से जाके किचन से मेरे लिए कुछ ले आए, या फिर यू नो अगले दिन अगर आप जल्दी उठ जाएं या किसी वक्त भी, यू नेवर नो, भूख का कोई पता नहीं होता। मेरी भूख का तो बिल्कुल कोई पता नहीं होता, मुझे हर वक्त और किसी वक्त भी भूख लग जाती है। सो आई एम सो ग्लैड ये एक चीज़ थी जो मैंने रखी थी। मैंने एक चॉकलेट बार रखी हुई थी और लेट नाइट मुझे बहुत भूख लगना शुरू हो गई थी। आई एम सो ग्लैड आई हैड दैट चॉकलेट विद मी, जो कि उस वक्त मेरी उसने भूख को टेम्परेरीली इन कंट्रोल कर दिया था। तो यू नेवर नो, आपको किसी वक्त भी भूख लग सकती है और किसी से कुछ अरेंज करवाना या मांगने से बेहतर है कि आप जल्दी से अपनी चॉकलेट निकाल के खा लें। व्हेन आई मिस्ड वन थिंग, सैनिटरी पैड्स भी अपने साथ कुछ रख लें। शादी का टाइम एक थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है ब्राइड्स के लिए, एंड व्हेन यू रियली स्ट्रेस तो उस वक्त आपके हार्मोन्स वो वीर्ड हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के जो पीरियड के डेट्स होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। एंड मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि दैट डे शी गॉट हर पीरियड एंड द हस्बैंड वाज फीलिंग रियली ऑकवर्ड गोइंग आउट एंड आस्किंग फॉर अ पैड, एंड ही इज लाइक अच्छा मैं जाके लेके आता हूँ। एंड घर वाले थे कि भाई शादी वाले दिन व्हाई आर यू जस्ट लीविंग योर ब्राइड एंड गोइंग समवेयर आउट, एंड ही कुडंट टेल देम कि क्या चाहिए, बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक यार हमें बता दो हम जाके ले आते हैं, बिकॉज बंदे की कोई बहन नहीं थी तो ही फेल्ट रियली ऑकवर्ड आस्किंग हिज मदर, सो ही जस्ट लेफ्ट एंड एवरीबडी थॉट कि कोई सीन बन गया। एंड मेरी फ्रेंड ने जो मुझे बताया था मुझे बहुत हंसी आई थी, तो ऑल्दो ये बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की वियर्ड सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप अपने साथ एक दो सैनिटरी पैड जरूर रख लें, बिकॉज इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। ओके गाइस दैट्स इट, आई नो मैंने काफी ज्यादा चीजें बता दी हैं एक छोटे से बैग में रखने के लिए, लेकिन मैं ज्यादातर चीजें बहुत छोटी छोटी हैं जो कि बहुत आराम से एक छोटे से ओवरनाइट बैग में आ जाएंगी। जो एक दो चीजें बड़ी हैं वो टॉवल एंड जो आपके ड्रेसेस हैं और मे बी योर शूज एंड मे बी द हेयर ड्रायर, अदर देन दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक वेरी लिटिल स्पेस, लेकिन वक्त के ऊपर काफी काम आ जाती हैं। तो जस्ट टू अवॉइड एनी मिसहैप और एनी यू नो ऑकवर्ड सिचुएशन या फिर अपनी ईज के लिए, इट्स गुड कि आपके पास ये सारा सामान हो। आई एम श्योर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, जस्ट इन केस आप लोगों को लगे कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है, सो डू लीव दैट इन द कॉमेंट्स एंड दैट विल रियली हेल्प ब्राइड्स टू बी जो कि ये वीडियो देख रही हैं। एंड या आई गेस दिस इज इट, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर और कोई वीडियो आइडिया है ब्राइड्स टू बी के लिए मेरे साथ जरूर शेयर करें, आई विल ट्राई टू फिल्म अ वीडियो ऑन दैट एंड या I'll see you guys in my next video. Bye guys.